सफाई कर्मचारियों का सीतापुर पालिका प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, वेतन नहीं तो काम नहीं। यूपी के सीतापुर में सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों ने हंगामा इस बात को लेकर किया कि बकाया वेतन व मृतक आश्रितों तथा ठेके के कर्मचारियों का 3-3 महीने का जो वेतन बकाया है उसे तुरंत दिलाया जाए। इस दौरान अपनी मांगों के निस्तारण के लिए नगर पालिका कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की और पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों का बकाया वेतन तुरंत दिलवाया जाए, वरना हम लोग काम नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारी का कहना है कि होली का त्यौहार आ रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अभी तक वेतन नहीं दिया गया। हमारी प्रमुख मांग थी कि ये त्यौहार है और हिंदुओं का पर्व है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हम लोगों का इतना मान और सम्मान कर रहे हैं, साफ सफाई के लिए जो योगदान हम लोग कर पा रहे हैं उसके लिए तारीफ भी कर रहे हैं, इसके लिए हम पूरा वाल्मीकि समाज उनका शुक्रगुजार है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन सीतापुर में सफाई कर्मचारियों के साथ कैसे अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है ये तो सभी देख रहे हैं। त्यौहार सर पे है, बच्चे नंगे घूम रहे हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है। अधिकारी हमसे काम लेना तो चाह रहा है, काम के लिए सब अधिकारी है, हमारे वेतन के चेक पे दस्तखत करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। हम जिसके पास जा रहे हैं वो एक ही बात बताता, जब आपका चेयरमैन नहीं, आपका कोई प्रशासक नहीं, आपको वेतन मिले तो कैसे मिले। अब सर ये हम लोगों की जिम्मेवारी सिर्फ क्या काम करने की है, हमारे बच्चों को अधिकार नहीं, हमारे बच्चे त्यौहार नहीं मना सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था शांतिमय ढंग से निपट जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका प्रशासन नहीं चाहता है कि सीतापुर शहर में होली जैसे पर्व पर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। ये नगर पालिका की मंशा हमें दिखाई नहीं पड़ रही। अगर दिक्कत क्या, हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, अगर चाहे तो हमारे घरों में चल के देख लीजिए। नगर पालिका प्रशासन सर हमें सुनी कहा रहा है, हम सुबह से बैठे हैं, हमें कोई पूछने नहीं आया कि क्यों बैठे हो, क्या है। कम से कम 300, क्योंकि अभी 5 दिन पहले यो साहब द्वारा हमारा एक समझौता किया गया 7 सूत्री मांगों को लेकर, उन्होंने सारी मांगों को मान लिया और कहा था कि 2 दिन के अंदर हम इसका निस्तारण कर देंगे। 2 दिन के बाद बजाय 4 दिन 5 दिन बाद आज हम लोग केवल उनके आश्वासन पर वेतन लेने यहाँ पर इकट्ठा हुए। वेतन तो मात्र रेगुलर 1 महीने का है, अभी जैसे दूसरा महीना चल रहा है, लेकिन बहुत से देख ऐसे हैं जो बाकी हैं। मृतक आश्रितों के आश्रितों का भुगतान पूरा पूरा बाकी है। सेवानिवृत्त कर्मचारी बेचारे जो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, उनका सारा भुगतान बाकी है। ठेके के कर्मचारियों का 3-3 महीने का भुगतान बाकी है। पालिका प्रशासन में यही कहा जाता है कि यहाँ कोई दस्तखत करने वाला ही नहीं, कोई अधिकारी ही नहीं। अब ये तो अब ऐसा ही निपटेगी सूखी होली, और इसमें क्या निपटेगा। लड़के भूखे मर रहे हैं, वो कपड़ों के चिल्ला रहे हैं, कोई रंग के लिए कह रहा है, कोई कैसी बातें कह रहा है, लेकिन हम लोग अब मजबूर होके केवल वेतन लेने के लिए ही आए हैं। वार्ता नहीं, यहाँ कोई अधिकारी आया ही नहीं, मतलब आके सुनता, हमारी बात सुनता, देता या न देता वो तो बात बाद की थी, लेकिन सुनता तो सुनने भी कोई अधिकारी नहीं आया। सुनना भी नहीं पसंद करते हम लोगों को, देखना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि हम लोग जात के भंगी हैं, वाल्मीकि हैं।